welcome dear students as you know that we are learning articles so today we are going to learn some of the main uses of indefinite article n first use article n is used before a noun or a word which begins with a vowel letter a e i o u and also gives the vowel sound डियर स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है जो एन है इनडिफिनिट आर्टिकल इसे कहते हैं क्योंकि ये हमेशा कामन नाउन के सामने यूज़ होगा तो पहला यूज़ एन एक ऐसे कामन नाउन के सामने यूज़ होगा जिसकी शुरुआत इन वॉवल से हुई हो हु। यानी कि उनका पहला अल्फाबेट इन वॉवल में से हो और इम्पोर्टेंट क्या है अब इसकी साउंड भी वॉवेल आनी चाहिए दिस इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कामन नाउन की साउंड अगर वॉवेल आई तो उसके सामने एन यूज़ होगा अगर कामन नाउन की साउंड कॉन्सोनेट आई तो उसके सामने आर्टिकल ए यूज़ होगा तो किसी भी नाउन की शुरुआत अगर इन वॉवल से हुई हो तो इम्पोर्टेंट क्या है उसकी साउंड भी वावल आनी चाहिए तो ऐसे कामन नाउन के सामने आर्टिकल एन यूज़ होगा कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं शी हैड टेकन डैश एप्पल यहाँ पर एप्पल नाउन है वॉवल से इसकी शुरुआत हुई है और साथ साथ इसकी साउंड भी वॉवल आती है तो इसके सामने एन यूज़ होगा इसी तरह से और एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं आई वॉन्ट टू ई डैश ऑरेंज इसकी शुरुआत वॉवल ओ से हुई है और साथ साथ ये वावल साउंड भी प्रोड्यूस करता है इसके सामने भी एन ही यूज़ होगा नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल ही इज़ डैश इंडियन वावल आए से इसकी शुरुआत हुई है और साथ साथ ये वावल साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा है इसके सामने भी एन यूज़ होगा इसी तरह से है फ्रेंच इज़ ईजी लैंग्वेज ईजी जो है अब ये वावल ई से शुरू हुआ है और इसमें वावल साउंड भी प्रोड्यूस होती है तो इसके सामने भी एन यूज़ होगा इसी तरह और कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं आई विल बाई डैश अम्ब्रेला फॉर यू ही इज़ डैश एबल मैन शिवा स्ट्रक बाई डैश एरो द चिल्ड्रन फाउंड एग इन दैसट सो इन ऑल दीज एग्जाम्पल द नाउन और वर्ड बिगनज विद वावल एंड आल्सो प्रोड्यूस द वल साउंड तो ऐसे नाउन के सामने आर्टिकल एन यूज़ होगा ये पहला यूज़ था अब आते हैं दूसरे यूज की तरह दूसरा यूज आर्टिकल एन इज़ यूजड बिफोर ए नाउन और ए वर्ड विच बिगनस विद ए कंसोनेंट लेटर एच एंड व्हेन द नाउन और वर्ड इज़ प्रोनाउंसड द लेटर एच रिमीनज साइलेंट डियर स्टूडेंटस अब आर्टिकल एन एक ऐसे कामन नाउन के सामने यूज़ होगा जिसकी बिगनिंग में जिसकी शुरुआत लेटर एच से हुई हो जो कि कॉन्सोनेट है लेकिन जब हम इस नाउन को पढ़ते हैं अगर इसमें एच साइलेंट रहता है जैसे कि हम ऑनेस्ट आप लीजिए ओनेस्ट यहाँ पर ये एच से शुरू हुआ है एच जो कॉन्सोनेंट है मगर इसमें जो एच ये साइलेंट रहता है फिर इसकी साउंड वॉवल आती है तो ऐसे नाउन के सामने भी आर्टिकल एन यूज़ होगा शुरुआत एच से हुई हो अगर एच साइलेंट रहता है तो एन यूज़ होगा तो अगर हम एच के साथ नाउन को पढ़ते हैं तो उस वक्त उसके सामने यूज़ होगा आर्टिकल ए कुछ एग्जांपल हैं माई फादर इज़ डैश ऑनेस्ट मैन एच से शुरुआत हुई है और एच इसमें साइलेंट आता है रहता है तो इसके सामने एन यूज़ होगा इसी तरह है ऑनरेबल और ऑनर ईयर ये सभी नाउन ऐसे हैं जिनकी शुरुआत तो कॉन्सोनेट एच से होती है लेकिन जब इन्हें हम पढ़ते हैं इसमें एच साइलेंट रहता है तो इनकी साउंड वावल आती है तो ऐसे नाउन के सामने भी एन यूज़ होगा तीसरा और आखिरी एग्जाम्पल आर्टिकल एन इज़ यूज बिफोर एन एब्रिविएशन विच बिगनस विद एनी कॉन्सोनेट लेटर बट गिज़ द साउंड ए और एम तो आखिरी यूज क्या है अब आर्टिकल एन एक ऐसी एब्रिविएशन के सामने यूज़ होगा जिस एब्रीवेशन की बिगनिंग जिसके सामने कोई भी कॉन्सोनेट लेटर हो लेकिन फिर वो साउंड वॉवल प्रोड्यूस करे ए और एम एब्रीवेशन कॉन्सोनेट से शुरू ही हो लेकिन साउंड वॉवेल ए और एम प्रोड्यूस करे तो ऐसी एब्रिवेशन के सामने आर्टिकल एन यूज़ होगा जैसे कि एम ए कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है एब्रीवेशन भी है लेकिन साउंड ए प्रोड्यूस कर रही है एब्रीवेशन तो ऐसे एब्रीवेशन के सामने एन यूज होगा एम एल ए एम पी एस एम एस एस एच ओ एल एल बी एन डी एफ आई आर तो ऐसी एब्रीवेशन जिसकी शुरुआत कॉन्सोनेट लेटर से हुई हो लेकिन अगर उस एब्रीवेशन ने वॉवेल साउंड और एम प्रोड्यूस की तो उसके सामने आर्टिकल नैन यूज़ होगा थैंक यू डियर स्टूडेंट्स